हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं लर्नर्स कम्युनिटी इन टेक्नोलॉजी। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सेकंड सेमेस्टर के हिंदी सब्जेक्ट के बारे में। बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट्स के लिए ये क्लास है जिसमें हम देखेंगे हिंदी ए के क्वेश्चन पेपर को, जो कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आप कह सकते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, जिसके रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं वो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें स्टडी से रिलेटेड वीडियोस के लिए। तो इस क्वेश्चन पेपर में आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपके किस टाइप के क्वेश्चन पेपर आएगा 2022 में, जो आपके ऑफलाइन एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए, ठीक है, सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए हिंदी ए का सब्जेक्ट की आज की वीडियो है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है, 6 क्वेश्चन इस टाइप के ही क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम्स में। पहला क्वेश्चन होता है पश्चिमी हिंदी का सामान्य परिचय दीजिए, ठीक है। तो पश्चिमी हिंदी का आपको पश्चिम में किस प्रकार की हिंदी यूज़ की जाती है उसका सामान्य सिर्फ परिचय आपको देना है, एक्सप्लेनेशन देनी है कि किस प्रकार की हिंदी यूज़ की जाती है। आप यहाँ देख सकते हैं जितने भी आपके क्वेश्चन हैं हर क्वेश्चन को 18.75 नंबर दिए गए हैं, ठीक है। तो आपका एक क्वेश्चन 18.75 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 2 आता है हिंदी उपन्यास के उद्भव और विकास पर प्रकाश डालिए। हिंदी उपन्यास का उद्भव किस प्रकार हुआ, उसका विकास किस प्रकार हुआ, किस सन में हुआ और किस राइटर के द्वारा इसके विकास किया गया, ठीक है, ये सब आपको इसमें बताना है कौन सा राइटर है, ठीक है, और किस सन में हुआ, किस प्रकार हुआ, ये सब आपको इसको पूरा वर्णन देना है। अगर आप थोड़ा सा भी कम लिखते हैं तो हो सकता है कि आपके जो मार्क्स हैं वो कट जाएँ, तो आपको जितना ज़्यादा हो सके अच्छे से एक्सप्लेन करना है। मीराबाई की भक्ति भावना पर प्रकाश डालिए। मीराबाई श्री कृष्ण की काफ़ी ज़्यादा बड़ी भक्त थी, ठीक है, तो उनकी भक्ति भावना पर आपको क्या डालना है, प्रकाश डालना है। वो कितनी बड़ी भक्त थी, किसकी भक्त थी, ठीक है, उन्होंने किस प्रकार के गीत लिखे या फिर कहानियाँ बताई, ये सब आपको इसमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है घनानंद की साहित्यिक मूल्यांकन कीजिए। घनानंद का साहित्यिक मूल्यांकन आपको बताना है। साहित्य में घनानंद ने किस प्रकार का अपना योगदान दिया, साहित्य कला में उनका कितना योगदान है, ये आपको इस वाले क्वेश्चन में एक्सप्लेन करना है और काफ़ी अच्छे से करना है। क्वेश्चन नंबर 5 आता है नागार्जुन की प्रगतिशीलता की विवेचना कीजिए। अब ये नागार्जुन जो हैं वो राइटर हैं, ठीक है, तो इनकी क्या है, प्रगतिशीलता का आपको वर्णन करना है। विवेचना कीजिए मतलब वर्णन कीजिए। बादल को घिरते देखा है शीर्षक कविता का प्रतिपाद्य लिखिए। तो आपके जितने भी आपके जो बुक हैं उसमें जितनी भी कविताएं दी गई हैं, तो एक तो आपको उन सब का प्रतिपाद्य पता होना चाहिए, मतलब हर कविता का क्या अर्थ है, ठीक है, उसका प्रतिपाद्य क्या है, पूरे की पूरी समरी क्या है, ये आपको हर एक कविता की पता होनी चाहिए। क्या पता कि वो किस कविता से आपसे पूछ ले, तो हर कविता का प्रतिपाद्य तो आपको बहुत अच्छे से ही पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरा आपका जो शीर्षक है उसके बारे में पता होना चाहिए, उसका राइटर पता होना चाहिए कि किस राइटर के द्वारा ये कविता या फिर ये साहित्य लिखा गया है, ठीक है। तो ये जो 6 क्वेश्चंस हैं ये आपके प्रीवियस क्वेश्चंस हैं, इनके जैसे या फिर यही क्वेश्चन या इनसे अलग क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम्स में, जो कि 2022 में होने वाले हैं ऑफलाइन मोड में। तो आप इन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये हिंदी ए के स्टूडेंट्स के लिए, जिन स्टूडेंट्स का हिंदी बी है उनकी भी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोडेड है, आप उसको भी जाके चेक कर सकते हैं अगर आप हिंदी बी के स्टूडेंट हैं तो, ठीक है। तो ये जो 6 क्वेश्चन है इनके आंसर्स आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को जितना हो सके वीडियो को और हमारे चैनल को हर ग्रुप में शेयर करें, ताकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं सेकेंड सेमेस्टर के उन सबके पास भी ये वीडियो पहुँच सके। साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी कुछ लिंक्स दी गई हैं, जैसे कि हमारे ब्लॉग स्पॉट की लिंक दी गई है जहाँ पे आप नोट्स चेकआउट कर सकते हैं सेकंड, फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर के, आपको वहाँ पे नोट्स देखने को मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से जाके भी स्टडी कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का भी लिंक दिया गया है, हमारा ग्रुप है टेलीग्राम का, आप उसको भी जरूर ज्वाइन करिए, वहाँ पर आपको जितने भी अपडेट्स हैं वहाँ पर आपको दिए जाएंगे, स्टडी के रिगार्डिंग मटीरियल्स और अपडेट्स वहाँ पर आपको मिलेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माई चैनल गाइस।